गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से ज्ञान विहार की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं मुकेश बड़ारड़ा आपकी अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा के साथ। तो लीजिए विद्यार्थियों, आज हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता है अपने केंद्र सरकार पार्ट में हमने भी पिछली कक्षा के अंदर मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा, मंत्रिपरिषद के गठन एवं संरचना को हमने समझा और उसी दौरान विद्यार्थियों आपको ये बताया गया कि जो मंत्रिपरिषद है उसमें तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपराज्य मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है, ये मंत्रिपरिषद के सर्वोच्च मंत्री होते हैं और मुख्य रूप से कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री कभी बैठक भी करता है तो वो मंत्रिमंडल के साथ ही करता है, अन्य मंत्रियों को इनके निर्णय वो मान्य होते हैं। तो अब अपना आगे का जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो ये होगा कि जो मंत्रिमंडल है, एक तरह से मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, इस मंत्रिमंडल की क्या कार्य और क्या शक्तियां है, ये अपने आज का प्रश्न रहेगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि संविधान के अनुसार सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रखें कि इस मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें कि इस मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री भी सम्मिलित हैं, अर्थात हम जो ये छह बिंदुओं के आधार पर इसके कार्य और शक्तियां पढ़ेंगे ये एक तरीके से प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों से भी मिलते जुलते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल के अंदर प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। जिस प्रकार क्रिकेट की टीम होती है उसमें क्रिकेट का कप्तान भी शामिल होता है, विद्यालय का जो स्टाफ होता है, विद्यालय की जो टीम होती है उसमें विद्यालय का प्रिंसिपल भी शामिल होता है, ठीक उसी प्रकार से मंत्रिमंडल के अंदर इस मंत्रिमंडल का जो कैप्टन है प्रधानमंत्री, वो भी एक तरह से सम्मिलित है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर कई बिंदु ऐसे होंगे जो हमने इससे पहले की कक्षा में प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों में पढ़े थे। तो इससे आपको ये सुविधा रहेगी याद रखने में कि ज्यादातर उन्हीं बिंदुओं का वापस यहाँ पर प्रयोग होगा। तो मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियों का मतलब प्रधानमंत्री समेत संपूर्ण जो मंत्री हैं उनके क्या कार्य और शक्तियां हैं वो हम इनके अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको संविधान का अनुच्छेद 74 का उल्लेख पहले थोड़ा सा करना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के अंदर ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। उसके कार्यों में सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इस तरह से एक तरह से मंत्रिमंडल होगी, मंत्रिपरिषद होगी, ये संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है। अब सबसे पहला जो काम है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, एक तरह से नेशनल पॉलिसी तैयार करना। मंत्रिमंडल का सबसे प्रमुख कार्य होता है कि वो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर आपसी बैठक करके राष्ट्रीय नीति, अर्थात देश के अंदर आंतरिक रूप से, देश के अंदर आंतरिक रूप से किस प्रकार से कैसे क्या कुछ चलेगी, क्या व्यवस्थाएं होगी और विदेशों में दूसरे देशों के साथ कैसे हमारे टर्म्स या रिश्ते होंगे, इस प्रकार से राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने का काम मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है और इसके लिए इसकी समय समय पर बैठकें होती रहती है और उन बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहला काम हो गया राष्ट्रीय नीति देश के लिए तैयार करना, मंत्रिमंडल का सबसे प्रमुख कार्य या एक तरीके से शक्ति है। दूसरा बिंदु है कानून निर्माण पर नियंत्रण, कानून बनाने का कार्य। जैसा कि आपको विद्यार्थियों को पता है कि कानून निर्माण का काम है वो संसद के अंदर होता है, कानून निर्माण का जो कार्य है वो संसद में होता है और संसद के दो सदन है लोकसभा और राज्यसभा। तो वैसे तो संसद के किसी भी सदन के अंदर कानून बनाने के लिए विधेयक या बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि कानून निर्माण पर पूरी तरह से मंत्रिमंडल का नियंत्रण रहता है। जो महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं वो पहले मंत्रिमंडल की बैठक में उनपे डिस्कस किया जाता है, विधेयक तैयार किए जाते हैं संसद में यानी लोकसभा या राज्यसभा में। प्रस्तुत करने से पहले मंत्रिमंडल विधेयकों को बिल को तैयार करती है और उसके बाद में वो संसद में उनको प्रस्तुत करवाती है और दोनों सदनों से उनको पास करवाती है। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में मंत्रिमंडल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किए गए विधेयक ही संसद में प्रस्तुत होते हैं और वही विधेयक विधि यानी कानून का रूप धारण करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हो गया कानून निर्माण
निर्माण पर पूर्ण नियंत्रण या कानून निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करना। उसके बाद में है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। संविधान का अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है इसलिए राष्ट्रपति अपनी उन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता है, वो नाम मात्र का है। तो संविधान के अनुसार जो कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है वास्तव में उनका प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा है वो किया जाता है। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण अर्थात देश का शासन संचालित करने का जो कार्य है वो भी प्रमुख रूप से मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद में वित्तीय कार्य, मंत्रिमंडल को महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य भी या शक्तियां भी प्राप्त हैं। मंत्रिमंडल हर वर्ष संसद के अंदर लोकसभा में आपके बजट प्रस्तुत करवाता है, आय का ब्यौरा। इसके अलावा आपके मंत्रिमंडल की सहमति से ही धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस तरह से बजट को प्रस्तुत करवाना, धन विधेयक को प्रस्तुत करवाना, इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो वित्तीय कार्य हैं वो भी मंत्रिमंडल के पास में है। उसके बाद में पांचवा जो बिंदु है वो है वैदेशिक संबंधों का संचालन। दूसरे देशों के साथ जो संबंध होते हैं, वैदेशिक संबंध है, विदेश नीति है, एक देश के द्वारा यानी जैसे भारत है तो भारत के अपने पड़ोसी या विश्व के अन्य देशों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, हम कौन से देश के साथ किस प्रकार का रिश्ता रखेंगे, किस देश के साथ में व्यापारिक संबंध, राजनीतिक या आर्थिक संबंध रखने हैं या नहीं, इसका महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो मंत्रिमंडल जिसमें प्रधानमंत्री भी सम्मिलित है उसके द्वारा लिया जाता है। महत्वपूर्ण संधि समझौतों के अंदर भी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से वैदेशिक संबंधों के संचालन का जो कार्य है वो भी मंत्रिमंडल का एक प्रमुख काम है। उसके बाद में छठा जो बिंदु है नियुक्ति संबंधी कार्य। विद्यार्थियों वास्तव में संविधान ने जो नियुक्ति के अधिकार राष्ट्रपति को दिए हैं, जैसे कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति है, विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति है, या आपके जैसे लोकसभा के अंदर 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करना, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, जो नियुक्तियां करने का अधिकार राष्ट्रपति को है वास्तव में उन अधिकारों का प्रयोग या वो नियुक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा ही होती है। अर्थात जैसा मंत्रिमंडल चाहती है राष्ट्रपति के द्वारा वैसा ही किया जाता है। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि जो नियुक्ति संबंधी अधिकार संविधान ने राष्ट्रपति को दिए हैं उनका प्रयोग भी अप्रत्यक्ष रूप से मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने का, कानून निर्माण करने का, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण यानी देश का शासन चलाने का, वित्तीय कार्य, वैदेशिक नीति का संचालन करने का काम कि कौन से देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं, और साथ ही महत्वपूर्ण नियुक्तियां करने का काम भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर शासन संचालित करने में, देश का शासन चलाने में मंत्रिमंडल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसको एक तरह से शासन का हृदय या हार्ट भी हम कह सकते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में हृदय का, हार्ट का जो रोल है, जो भूमिका है, वही देश के अंदर मंत्रिमंडल की है। इसके बिना शासन संचालित हो पाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपके मंत्रिमंडल के प्रमुख कार्य और शक्तियां। विद्यार्थियों आज के लिए हो गई, आज की कक्षा के लिए इतना ही। अब हम अगली कक्षा के अंदर, क्योंकि हमने शुरू के अंदर विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था, ध्यान से समझे आपने, आपको मैंने पाठ के शुरू के अंदर विद्यार्थियों ये समझाया था कि जैसे जो सरकार होती है, सरकार के जो 3 अंग हैं, जिसमें सबसे पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो अब तक विद्यार्थियों इस पाठ में हम व्यवस्थापिका, भारत की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, संसद में राज्यसभा और लोकसभा है,
इनके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमने सबके बारे में जाना। उसके बाद कार्यपालिका में विद्यार्थियों आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री और आपके मंत्री परिषद, यह सब आते हैं। इन सबके बारे में भी हमने पढ़ा। और न्यायपालिका के अंदर जैसे कि आपको बताया था कि भारत का जो सबसे बड़ा न्यायालय है उसको उच्चतम न्यायालय के नाम से जाना जाता है। तो अब अपने सरकार के जो तीन अंग है उसमें से दो कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा अंग बचता है न्यायपालिका, और भारत का जो सबसे बड़ा न्यायालय उसको उच्चतम न्यायालय कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जो भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो हम अगली कक्षा के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज की कक्षा के लिए इतना ही। एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार। धन्यवाद।